लखनऊ के थाना विकास नगर इलाके में देर रात बहुमंजिला इमारत में स्थित एक बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। साथ ही हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन बैंक में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज जरूर जलकर खाक हो गए। आग लगने की घटना थाना विकास नगर के मामा चौराहे के पास स्थित एक बहुमंजिला इमारत धनश्री अपार्टमेंट की है। यहां पर अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर फेडरल बैंक का संचालन किया जाता है। देर रात बैंक से लोगों ने धुआं उठता देखा तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस के साथ ही दमकल विभाग को भी दी। मौके पर सरकारी विभाग के कर्मियों के पहुंचने से पहले ही धुएं ने धीरे धीरे दूसरी और तीसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच आग की खबर से अपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते हुए अपार्टमेंट को खाली करा लिया और मौके पर पहुंचे कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद न सिर्फ आग को बढ़ने से रोका बल्कि उस पर पूरी तरह से काबू भी पा लिया। हादसे में फिलहाल कोई घायल या फिर किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेज जरूर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि जहां पर आग लगी थी वहीं पर कैश काउंटर भी था, हालांकि कैश पूरी तरह से सुरक्षित है। घटना के पीछे की वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताई गई है। इसके बावजूद पुलिस अधिकारी सोनम कुमार का कहना है कि अगर मामले में कोई तहरीर आती है तो उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैंक है, वहाँ पे आग लगी है। 9:10 को सूचना मिली, तुरंत हमने डेल्टा पे कंट्रोल कांटेक्ट करके फायर ब्रिगेड मंगाई, आग को कंट्रोल कर लिया गया। बैंक कर्मी में सिर्फ एक गार्ड मौजूद थे, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी और अपने जो फायर एक्सटिंग्विशर थे उनके पास, उससे काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया, तो बाकी फायर ब्रिगेड ने कंट्रोल। लखनऊ से जनमत न्यूज़ के लिए अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट।